दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने कहा है कि अगर चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत किया जाता है तो नुकसान अवाम उठाएंगे। हमने पहले दिन से सिलेक्टेड राज को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। काबुल जाकर चाय पीते वक्त सोचा ही नहीं इन फैसलों का पाकिस्तान का क्या बोझ उठाना पड़ेगा। उन्होंने इंतखाबी मंशूर का ऐलान करते हुए कहा कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, गरीबों को घर मुफ्त, इलाज की सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पावर शो। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। नोडेरो में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घन गरज। खिताब करते हुए कहा, आज उनके मुखालिफ के साथ जो हो रहा है कल उनके साथ भी यही होगा। ये लोग सियासत और हुकूमत अपने लिए करते हैं। अगर चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत किया जाता है तो नुकसान अवाम उठाएंगे। हमने पहले दिन से सिलेक्टेड राज को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। इससे काबिल लाड़काना में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया। बोले, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, गरीबों को घर और मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो बेरोजगारी महंगाई खत्म करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी वालिदा का जिक्र करते हुए आप दीदा भी हो गए। कहा, 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।